तालझारी प्रखंड क्षेत्र में शुक्रवार को राष्ट्रीय कानून दिवस के अवसर पर राजमहल व्यवहार न्यायालय परिसर में भारत के संविधान की प्रस्तावना की शपथ दिलाई गई। जिसमें जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय संजय कुमार दुबे, अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुरमणि त्रिपाठी, अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी धर्मेंद्र कुमार, न्यायिक प्रथम श्रेणी अनुज कुमार के अलावे कई न्यायिक कर्मी और अधिवक्तागण मौजूद थे। इस मौके पर अनुमंडलीय विधिक सेवा समिति के सचिव धर्मेंद्र कुमार के द्वारा मौजूद अधिवक्ताओं और न्यायिक कर्मियों को शपथ दिलाई गई। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर भारतीय नागरिक के लिए 26 नवंबर का दिन बेहद ही खास होता है। दरअसल यही वह दिन है जब देश की संविधान सभा ने मौजूदा संविधान को विधिवत रूप से अपनाया था। यह संविधान ही है जो हमें एक आजाद देश के आजाद नागरिक होने का अधिकार देता है, जहां संविधान के दिए मौलिक अधिकार हमारी ढाल बनकर हमें हमारा हक दिलाते हैं, वहीं इसमें दिए मौलिक कर्तव्य में हमें हमारी जिम्मेदारियां भी याद दिलाते हैं। हर वर्ष 26 नवंबर का दिन देश में संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 26 नवंबर को राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी जाना जाता है। 26 नवंबर 1949 को ही देश की संविधान सभा ने वर्तमान संविधान को विधिवत रूप से अपनाया था, हालांकि इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। कार्यक्रम में अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष मणिलाल मंडल, सचिव दिलीप शाह, मनिंदर सिंह, सुबोध कुमार महतो सहित कई अधिवक्तागण मौजूद थे। अमित चौधरी, न्यूज़ लाइव, तालझारी।